चीन का जासूसी गुब्बारा 11,000 किलोमीटर की दूरी तय करके कैसे पहुंचा अमेरिका? अमेरिका पर क्या वाकई निगरानी रख रहा था चीन? इससे पहले भी कई बार इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से अमेरिका पर रखी गई है नजर। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में एक गुब्बारा देखा जा रहा था जिसे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मार गिराने का आदेश दिया, जिसके बाद से अमेरिका और चीन के बीच में थोड़ा टेंशन पैदा हो गया है। चीन का कहना था कि ये बलून अपना रास्ता भटक गया था, हालांकि अमेरिका ने इसे एक जासूसी गुब्बारा बताया था, इसलिए इस गुब्बारे को नष्ट करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद से चीन अमेरिका से काफी नाराज है। गुब्बारा गिराए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम चाहते थे कि अमेरिका इस मुद्दे को शांति के साथ सॉल्व करे, लेकिन अमेरिका ने हमारे सिविलियन एयरशिप को मार गिराया। हम इसके खिलाफ अपना विरोध जताते हैं। अमेरिका ने इसे अंजाम देकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन किया है। चीन ने आगे कहा कि हमने अमेरिका के साथ कई बार इस बारे में चर्चा की थी। हमने उन्हें बताया था कि हमारा सिविलियन एयरशिप गलती से अमेरिका के हवाई क्षेत्र में आ गया है, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। हमने पहले भी कहा था कि इस गुब्बारे से अमेरिका को किसी तरह का सैन्य खतरा नहीं है। इस मामले पर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का कहना था कि गुब्बारे में सेंसर्स और निगरानी रखने वाली टेक्नोलॉजी थी और इसमें डायरेक्शन चेंज करने की भी क्षमता थी। ये मोंटाना के सेंसिटिव एरिया में पहुंच गया था जहां बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स को रखा गया है, और इसी वजह से इस बलून को गिराने का फैसला लिया गया। पेंटागन और बाकी अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि एक चीनी जासूसी गुब्बारा है जिसका साइज 3 स्कूल के बसों के आकार के बराबर था। ये लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिका के ऊपर ईस्ट डायरेक्शन से आगे बढ़ रहा था। अमेरिका का कहना है कि इसका यूज चीन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने और अमेरिका पर नजर रखने के लिए कर रहा था। हालांकि चीन ने बार बार इससे इनकार किया है, लेकिन चीन की हरकतों से तो हम सब वाकिफ ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बलून 11,000 किलोमीटर की दूरी तय करके अमेरिका कैसे पहुंच गया। तो अगर हवा के डायरेक्शन की बात करें तो चीन का कहना है कि अभी हवा की डायरेक्शन वेस्टर्लीज होने की वजह से ये बलून सीधा अमेरिका पहुंच गया। अब ये कितना सही और कितना गलत है वो तो टाइम के साथ पता चल ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका चीन को इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमेरिका पर इस तरह से नजर रखी गई हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। जासूसी गुब्बारों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी इस तरह के काफी गुब्बारे इस्तेमाल किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जापान ने हजारों हाइड्रोजन गुब्बारे छोड़े और जिनमें से सैकड़ों अमेरिका और कनाडा तक पहुंच गए थे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी और कंटेंट को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें अनकट।